जिमी 2012-2018 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से गाड़ी जो है बिल्कुल साफ क्लीन एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। चेक कर लें, 2006 का ये मॉडल है, 2007 की रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। नॉर्मल सेफ्टी वाइटा एक इंस्टॉल है, लेकिन गाड़ी की टायर जो है अच्छी कंडीशन में है। एक और टोयोटा करोला GLI हमें देखने को मिली है, बिल्कुल साफ क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। जितने लोग टोयोटा करोला GLI की रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। गाड़ी हमें देखने को मिली है सुजुकी कल्टस है, मॉडल 2011 का है, EFI वाली गाड़ी। कल्टस हमें देखने को मिली है, मॉडल 2014 का है, EFI इंजन वाली और VXRI का वेरिएंट। अस्सलाम वालेकुम जी, एक जबरदस्त गाड़ी हमारे सामने है, Daihatsu Ghore 2011 का, ये 2017-2022 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, विंडो वाली VXL का वेरिएंट है और बिल्कुल साफ सुथरी टैंक क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। जबरदस्त होंडा सिटी हमें देखने को मिली है, बिल्कुल साफ सुथरी टैंक क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। और गाड़ी के आउट साइड की कंडीशन में आप आपको बताता चलो, आउट साइड से गाड़ी ये शावर में Daihatsu Terrace स्पीड हमारे सामने है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। 3 लाख की रेंज में जो लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे, भाई 3 लाख की रेंज वाली गाड़ी ले आए आप लोग के लिए, जबरदस्त कंडीशन में एक सड़ाई मौजूद है, मॉडल 2015 का है, सिंध नंबर प्लेट गाड़ी है ये। और जितने लोग इस सड़ाई की रिक्वेस्ट करते हैं, एक सड़ाई हम लोग वेट कर रहे हैं, 2017 की एक जबरदस्त की बोलाने में देखने को मिली है। और गाड़ी बाहर से कंडीशन गजब कह सकते हैं, ओवर टाइम हो गए हैं, तो ये गाड़ी भी लास्ट में कवर कर लेते हैं। 2008 की सुजुकी बोलान है भाई, व्हाइट कलर में गाड़ी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हूं संडे कार मार्केट में, 20 सितंबर 2024 संडे का दिन, संडे कार मार्केट में पहुंच चुका हूं। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था और काफी मेरी जो है ना कम वीडियो बनी थी, तकरीबन 41 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो आज इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा टाइम पे आया हूँ। अभी भी 4:45 हो चुके हैं, ज्यादा मतलब के जल्दी नहीं आया, वैसे मैं 2:30 बजे तक आ जाता था मार्केट में। तो ये संडे का मार्केट की सूरत हाल है भाई, हमारे साथ जुड़े रहे। आज भी गाड़ी की प्राइसेस शेयर होंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे छोटी बड़ी गाड़ियां जो अपनी वीडियो में ऐड करें, इसमें मुनासिब प्राइस वाली गाड़ियां हों, नई गाड़ियां हों, जैपनीज गाड़ियां हों, सारी गाड़ियां जो इस वीडियो में ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं आज गाड़ी की प्राइसेस चल रही है, आप बहन से शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देने आप लोगों ने। बाकी एड्रेस मैं आप लोगों को बता दूं, संडे कार मार्केट का जो एड्रेस है, यूपी मोड़ सेक्टर 11D न्यू कराची, और ये आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे आप लोगों को आसानी मिल जाएगा। अगर आप लोग गाड़ियों के बारे में कोई भी बात हमसे जो है पूछना चाहते हैं, आप लोग जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर, हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं आज हमें कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती है, जुड़े रहिए हमारे साथ, चलिए चलते हैं मार्केट में। जो कि जिमी 2012-2018 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से गाड़ी जो है बिल्कुल साफ क्लीन एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। तो जितने भी लोग सुजुकी जिमी की रिक्वेस्ट करते हैं, सुजुकी जिमी हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो हम लोग परचेज कर सकते हैं, ओनर का नंबर जो है पूरी डिटेल के साथ आप बाइक को जो है मिल जाएगा एंड में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ, टायर्स की बात करें तो अलग में हमें देखने को मिलने, तक कह सकते हैं 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो है गुड कंडीशन में मौजूद है। बाकी ये इस गाड़ी की लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, लाइट्स वास्तव से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की जो फ्रंट की ग्रिल साइड है वो भी मशाल से हमें साफ मिली है। तो सेकंड लाइट की तरफ बढ़ते हैं, जो ड्राइवर साइड की तरफ जो लाइट होती है वो भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही है। और आ जाते हैं जी फ्रंट की सेकंड जो है टायर्स की तरफ, यहाँ से टायर्स की कंडीशन भी हमें बिल्कुल साफ मिली है, चारों टायर सेमी कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं इस गाड़ी की जो विंड स्क्रीन की तरफ, विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की मशाल से हमें साफ मिल रही है। बोनट से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बोनट से बिल्कुल साफ है, कहीं स्क्रेच नहीं है गाड़ी में। ये एक गाड़ी के जो है ड्राइवर साइड राइट हैंड साइड, यहाँ से पूरी गाड़ी की मैं आप लोग चेक करा देता हूँ। ये इस गाड़ी के फाइंडर हैं, डोर चेक कर लें इस गाड़ी का, और ये टू डोर गाड़ी होती है, और ये बैक फाइंडर बिल्कुल साफ पूरी कंडीशन में मौजूद है। साइड में बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की, छत साइड भी देख लें गाड़ी के साथ साथ। बैक साइड पे आ जाते हैं जी, डिग्गी चेक कर लेते हैं जी, बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख लें, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ है। और बैक स्टेयर व्हील जैसे कि लगा होता है इन गाड़ियों में, 2012-2018 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में, यहाँ से चेक कर सकते हैं इस गाड़ी के नंबर प्लेट कैमरा वगैरह देखने को मिल रहा है हमें। देख टायर्स वगैरह चेक कर लें गाड़ी के, मशीन से बिल्कुल साफ है।
ये इस गाड़ी की जो पैसेंजर साइड, यहाँ से भी डोर वगैरह बिल्कुल साफ मिल रहा है हमें देखने को, कहीं से रस्पेक्ट नहीं है गाड़ी, जंग वगैरह नहीं है, बाकी इंटीरियर वगैरह इस गाड़ी का जो है वो शो कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, ये इस गाड़ी की डोर की सील्स हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। पावर विंडो देखने को मिल जाएंगे, क्लिप वगैरह देखने डोर की, ये भी बिल्कुल साफ मिल जाएंगे देखने को। फुट बेरी साइड भी बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। सीट्स की बात करें तो लेदर कवर वगैरह सीट्स के इंस्टॉल हैं। ये इस गाड़ी की जो है फ्रंट की जो है डैशबोर्ड, इस गाड़ी का चेक कर लें, LCD पैनल एक इंस्टॉल्ड है। ऑटो ट्रांसमिशन में स्टेयरिंग वगैरह सब देख लें, इस गाड़ी का बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के जो है और ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से भी चेक करा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, ड्राइवर साइड का डोर है, ये भी चेक कर लें साथ साथ। ये चीज़ें चेक करना लाजमी होती है, इन चीज़ों पर फोकस करें और जो जो चीज़ें बताते हैं हम, ये चीज़ें लाजमी होती है गाड़ी में चेक करना जी। डोर किसी जो है सील्स होती हैं, जिस तरह की ये क्लिप वगैरह लगे होते हैं, ये फुटबेरी साइड गाड़ी की। बाकी आप लोगों को पावर विंडो मिल जाएगी, पावर स्टेयरिंग है ऑटो ट्रांसमिशन में। बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम भी शेयर कराए थे। अस्सलामुअलैकुम जी, ये इस गाड़ी का है इंजन रूम और 660 सीसी इंजन में, बैटरी वगैरह चेक कर लें इस गाड़ी की, साफ सुथरी कंडीशन में लगी हुई जी। बाकी ये फ्रंट की गाड़ी साइड देख लें, बोनट से जो है गाड़ी आपको जेन्युइन देखने को मिलेगी। गाड़ी जो है जैपनीज में जो है जापान की जो टचअप है तो है, बाकी यहाँ पाकिस्तान में गाड़ी ये टचअप नहीं है। तो बढ़ते हैं ऑनर की तरफ और पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है और कितने में देना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या डिमांड? 2650 की है। 2650 की डिमांड है, मॉडल 2012-18 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान जी, जी सर। पेपर्स में क्लियर है सर गाड़ी? सर पेपरों से बिल्कुल क्लियर है, कोई काम सस्पेंशन इंजन में गाड़ी में नहीं है। और सस्पेंशन में तो खुला हुआ नहीं, पाना लगा तो अभी आपकी गाड़ी ऐसी, अगर पाना भी आज तक लगा सस्पेंशन भी इस गाड़ी में पाना तक नहीं लगा हुआ, गारंटी। एसी वगैरह वर्किंग, हर चीज वर्किंग में, 660 सीसी चारों टायर, जीरो टायर मैंने चारों दिखा दिए, अभी नए चारों टायर जो है न्यू है, न्यू इंस्टॉल्ड है, बाकी अलार्म लगे हुए, चलने में जबरदस्त है, एवरेज 20 से ऊपर देते हैं, 20 से ऊपर है सर, ये 660 है, 660 सीसी है, 20 से ऊपर है एवरेज गाड़ी। ऑटो ट्रांसमिशन में एसी वगैरह परफेक्ट वर्किंग है, हर चीज परफेक्ट। ठीक है सर, ये अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, 0312-2343-130। क्या नाम है आपका सर? गुलफिकार। इसकी डिमांड रिपीट कीजिए, 2650। कुछ कमी पेशी अगर सीरियस बाहर होगा, उसको सीरियस बाहर आएगा तो जो ओपन सर भाई, ये गाड़ी भी आपके पास है, ये कौन सा मॉडल? ये 6-7 है, 6-7 GLI है, ये 6-7 की GLI है। क्या डिमांड है सर? इंजन अपना है, 3-4 पीस टचअप है, 4D ओरिजिनल की गारंटी है, चारों टायर नए हैं, एसी चिल है, पेपर क्लियर है, 2050 का है, 2050 की डिमांड है। टचअप में कैसा इस गाड़ी का? सर 3-4 पीस, 3-4 पीस है। अच्छा, तो ये गाड़ी है 3-4 पीस इस गाड़ी के टचअप है और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। इस गाड़ी को आप लोग चेक कर लें, 2006 का ये मॉडल है, 2007 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है ये। और गाड़ी को थोड़ा सा हम जो है क्लियर करके वीडियो बनाया था, गाड़ी की टायर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, नॉर्मल सेफ्टी वाले टायर इंस्टॉल है, लेकिन गाड़ी की टायर जो है अच्छी कंडीशन में है। ये इस गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन है, मशीन से स्क्रीन इस गाड़ी की बिल्कुल साफ मीटिंग क्लीन कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं इस गाड़ी की लाइट्स की तरफ, लाइट्स में बिल्कुल साफ मिली देखने को। फ्रंट की जो है ग्रिल साइड जिसे कहते हैं वो बिल्कुल हमें साथ में लगे, इससे टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। सेकंड लाइट की तरफ आ जाते हैं, जो ड्राइवर सीट की लाइट्स होती है वो भी हमें माशाल से बिल्कुल साफ कंडीशन में देखने को मिल रही। जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं GLI की अच्छी गाड़ी दिखा हुआ, ये देख सकते हैं कुछ पीस टचअप में है, बाकी गाड़ी माशाल से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। तो गाड़ी नो डाउट जिस तरह रियल में है कैमरे में जरा रही, इसी तरह आप लोग रियल में मिलेगी। टायर देख लें, चारों टायर सेम कंडीशन में मौजूद है। फाइंडर चेक करें ड्राइवर साइड का और डोर चेक कर लें, बैक डोर देख लें इस गाड़ी का, बैक फाइंडर से भी देख लें गाड़ी को रूट। टायर चारों जो है गाड़ी के सेम कंडीशन में देखने को मिलेंगे। टायर स्क्रीन जो है बिल्कुल साफ मिलेगी इस गाड़ी की, और नो डाउट गाड़ी की जो कंडीशन है रियल में भी आप लोगों को इसी तरह मिलेगी इस तरह आप लोग कैमरे में देखेंगे। तो कोई देख ना भाई, ये इस गाड़ी के जो है पैसेंजर साइड लुक, ये यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है।
और ये पैसेंजर साइड लेफ्ट साइड बॉडी वाइज कोई भी काम नहीं मिलेगा आपको गाड़ी में देखने को। डोर खोली सर, दरवाजे की जो है सील वो भी देख लें, सील बाय सील वैसे गाड़ी आप लोगों को जेन्युइन देखने को मिलेगी। देख सकते हैं जी लेदर का वगैरह सीट्स पे लगी हुई है। आ जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ, फ्रंट डोर की डोर की देख सकते हैं फ्रंट साइड के बिल्कुल साफ है। GLI है, पावर विंडो मिल जाएगी आप लोगों को, एंड्रॉइड पैनल इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। अच्छा इस गाड़ी की कनेक्शन हो गई, इस गाड़ी की सेट साइड है। आप पीछे की तरफ देखो, इसे बिल्कुल साफ भी लगी देखने को, इंजन जो है अभी पार्टी चेक कर रही है तो मैं इंजन रूम भी आप लोग साथ साथ दिखाता हूँ। इंजन रूम से भी गाड़ी बिल्कुल साफ है, साइड को मिट्टी चेक कर सकते हैं, ड्राइवर की देखने को मिल जाएगी। ये इस गाड़ी की नो डाउट गाड़ी की कंडीशन है भाई, जिस तरह आप लोग कैमरे में मिले रेल में भी आप लोग इसी तरह नहीं देखने मिलेगी। बाकी गाड़ी की पूरी डिटेल जो है आप आइंस शेयर कर दी है, बाकी इसके रिव्यू वीडियो वो बना के अभी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ड्राइवर साइड का डोर है वो भी खोल के मैं चेक करा देता हूँ, कोई काम नहीं इस गाड़ी में, कुछ पीस टचअप नहीं है गाड़ी, बस ये डोर अभी लॉक है। सर डोर खोल लीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, ये वाला अभी तो ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड का डोर है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, सील वगैरह बिल्कुल साफ है। पावर विंडो है जी, पावर मिरर, पावर स्टीयरिंग है जी, 1300 cc 1.3 इंजन में है, अपना इंजन है इस गाड़ी के अंदर, बोल दो चेक कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो पूरी मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी है भाई, ओनर का नंबर के साथ, बाकी यहाँ पार्टियाँ लगी हुई इस गाड़ी पे, तो देखते हैं पढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं हमको सी गाड़ी देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टोयोटा करोला GLI हमें देखने को मिली है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। तीन लोग टोयोटा करोला GLI की रिक्वेस्ट करते हैं, भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, उनका नंबर पूरी डिटेल के साथ आप शेयर कर देंगे। मॉडल कौन सा बताया सर? 2011 की ये GLI है न्यू लाइट्स में। और ये इस गाड़ी की पॉइंटेड साइड भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो साफ है, टायर वगैरह देखने वाले अलार्म लगे हुए हैं, और टायर तकरीबन 80% के आसपास गुड कंडीशन में मौजूद हैं। ये इस गाड़ी की जो है स्क्रीन है, और ये भी हमने साफ में लिखे, इसे टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है, और गाड़ी जो है सिर्फ एक पीस टचअप में है। अभी ये चेक कर सकते हैं ग्रिल सेट हमने की, बिल्कुल साफ हमें देखने को मिल रही है, पिछले साइड की लाइट भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है। चारों टायर सेमी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी का जो है पैसेंजर साइड का फाइंडर, पैसेंजर साइड का डोर है जी, और ये बैक डोर है पैसेंजर साइड का, ये भी चेक कर लें, और ये बैक साइड का फाइंडर ये भी देख लें। ये इस गाड़ी की साइड लुक है, 2011 की ये टोयोटा करोला GLI है, बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख लें, बैक साइड पे जो है कैमरे का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, बैक साइड की स्क्रीन भी बिल्कुल साफ कंडीशन में मौजूद है। ये है इस गाड़ी की जो है ड्राइवर साइड की बैक साइड की लाइट, यहाँ से पॉइंटर चेक कर लें राइट हैंड साइड का, क्योंकि बिल्कुल खराशेज हैं, अगर कलम करवा सकते हैं, इतना कोई मेजर नहीं है, अगर इस पर जो है रिबिन हो जाए तो फिर भी शायद ये गायब हो सकते हैं। टायर वगैरह जो है चारों सेमी कंडीशन में मौजूद हैं। इंटीरियर थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी की जो है बैक डोर की सील्स, ये बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। इंटीरियर की बात करें तो सीट्स पे जो है लेदर कवर वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, फुटबेरी साइड बिल्कुल साफ है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं जी, क्लिप वगैरह ये भी बिल्कुल साफ मिल जाए, कहीं से जंग वगैरह नहीं है। ये इस गाड़ी की जो है डोर की सी फ्रंट डोर की पावर विंडो मिल जाएगा, और यहाँ क्लिप वगैरह चेक कर सकते हैं जी, फुटबेरी साइड देख लें, ये चीज़ें लाजमी होती है चेक करने गाड़ी में। पावर स्टेयरिंग जी मिल जाएगा आप लोग गाड़ी में, पावर विंडो है, और मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 के इंजन में ये
1300 सीसी इंजन कहलाता है इस गाड़ी का। बाकी मैं आप लोगों को जो इंजन हूँ शेयर कर देता हूँ इंजन आपका एक साथ, उसके बाद फिर ऑनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की वो भी शेयर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का है इंजन रूम और 1300 सीसी 1.3 टोयोटा क्रोला GLI 2011 का मॉडल। और सागर जी, ड्राइव बैटरी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। फ्रंट की गाड़ी की बात करें तो बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। इस गाड़ी का जो है बोनट इंटीरियर से बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिल रहा है। फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को, एक नज़र फिर देख लें। जो है ऑनर फ्री हो जाते हैं उसके बाद मैं आप लोग जो है ऑनर साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा 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 यहाँ पे तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 4:49 गाड़ियाँ भी आ रही है। थोड़ा सा माइक नीचे करें जी। सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की? इसकी सर 25.5 लाख रुपए डिमांड है। पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, एक दरवाजा टचअप है, 2011 मॉडल है, अपने इंजन में पेपर में क्लियर से गाड़ी सब चीजें क्लियर है, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से होता है ठीक है। एवरेज वाइज सर क्या रेट है अगर कोई घर के लिए गाड़ी लेना चाहे? सर ये तकरीबन 12-13 के साथ शहर में यही देती है, बाकी लॉन्ग रूट पे तो ठीक है। टचअप में क्या है सर गाड़ी का? टचअप में सिर्फ एक दरवाजा खाली, एक दरवाजा जो है खाली साइड का जी जी ठीक है सर। ये अपना नंबर शेयर कर दीजिए 03129650537। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। मोहम्मद भाई इसकी डिमांड जरा रिपीट कर दीजिए बस। 25,50,000 कुछ कमी पेशी सीरियस बायर अगर बिल्कुल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और गाड़ी हमें देखने को मिली है सुजुकी कल्टस है, मॉडल 2011 का है, EFI वाली गाड़ी। तो बढ़ते इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप साथ शेयर करते हैं, उसके बाद उनके साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी आप साथ शेयर कर देंगे। तो इस गाड़ी की टायर्स की बात करें तो तकरीबन इस गाड़ी के टायर जो है हमें 80-90% के आसपास गुड देखने को मिल रहे हैं। इस गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन जो है हमें थोड़ी सी क्रेक देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप लोग बीच में से। तो आ जाते हैं बोनट की तरफ, यहाँ से बोनट हमें बिल्कुल साफ मिल रहा है देखने को। बाकी यहाँ से फेंडर पे जल के बल्कि आप लोग देखने को मिल जाएंगे। मॉडल 2011 का है, EFI ब्रांड वाली ये गाड़ी है। बाकी जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई EFI जो है कल्टस सेट करें तो हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी इसकी बोनट की बात करें तो यहाँ पे जो है पैसेंजर साइड वाली जगह से थोड़े बहुत हमें निशान देखने को मिल रहे हैं। बाकी लाइट्स वगैरह बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। ये आ जाते हैं इस गाड़ी की जो पैसेंजर साइड की तरफ, यहाँ से आप लोगों में चेक कराए तो इस गाड़ी के जो फाइंडर बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। टायर इस गाड़ी के साफ हैं। और डोर्स की तरफ आ जाते हैं, डोर्स भी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी के। और बैक डोर है जी ये पैसेंजर साइड का, ये भी बिल्कुल साफ मिल रहा है देखने को। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट व्हील में बिल्कुल साफ मिल रहा है। चारों टायर इस गाड़ी के हमें सेमी कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। आ जाते हैं गाड़ी के जी बैक साइड की तरफ, बैक साइड पे जो है डिगी की लाइट्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं देखने को मिल रही हैं। सेकंड लाइट भी बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। ये इस गाड़ी की जो है ड्राइवर साइड वाली यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की। राइट साइड की फाइंडर की बात करें तो हल्के फुल्के डेंट नजर आ रहे हैं लेकिन मेजर नहीं है। बाकी यहाँ बैक डोर पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं इस गाड़ी में। छत से गाड़ी सही है, छत से कोई स्क्रेचेज वगैरह नहीं है गाड़ी में। और इंटीरियर वगैरह जो है गाड़ी का वो आप शेयर कर देते हैं। देखो बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर शेयर करते हैं इस गाड़ी का, देखते हैं इंटीरियर क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम जी, डोर्स की सील्स जो है वो चेक कर लेते हैं जी। डोर्स की सील्स हमें बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। और यहाँ से गाड़ी साइड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ के डोर की लिप वगैरह वो भी देख लें। लेदर का वगैरह सीट्स पे इंस्टॉल्ड है वैसे। और
इंटीरियर इस गाड़ी का आउट क्लास कंडीशन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। स्टीयरिंग साइड चेक कर लें इस गाड़ी की, डोर्स वगैरह देख लें इस गाड़ी के। इंटीरियर से माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में ये गाड़ी है। ये इस गाड़ी का जो फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर की कंडीशन माशाल्लाह से साफ सुथरी है। आसान हो गया उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये तो अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी के जो है इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देते हैं इस गाड़ी का। और ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है और फ्रंट डोर की सील्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी आ जाते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग साइड की तरफ, यहाँ स्टीयरिंग साइड इस गाड़ी की चेक कर सकते हैं। और डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, ब्लैक और वाइट कलर में जो इस गाड़ी की जो है सीट्स कवर वगैरह लगी हुई हैं और बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में जी इंटीरियर इस गाड़ी का। और अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंजनों की तरफ और रूम वगैरह क्या गाड़ी का वो भी अभी इनको शेयर कर देते हैं। रूम खोली से अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है। ये फाइव इंजन में 1.3 मतलब 0 और 1000 सीसी इंजन ये कहलाता है ये। और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में कोई एक्सटर्नल वायर नजर नहीं आ रही। ये फाइव इंजन है इस गाड़ी के अंदर, 4 सिलेंडर। और इनकी पेट्रोल एवरेज भी तकरीबन के रहती है 13-14 के हिसाब से पर लीटर रहती है। बोनट की सील भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है, कहीं से जो है रस्टेड नहीं है। ठीक है सर, क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्या क्या डिमांड रखी सर इस गाड़ी? सवा बारह मॉडल 2011 का। अच्छा ये इस गाड़ी में कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? बिल्कुल ओके, टक गाड़ी कोई काम नहीं। पेपर वगैरह सब क्लियर है सर? सर हर चीज क्लियर। ठीक है जी, तो ये अगर कोई घर के लिए लेना चाहे तो इसकी पेट्रोल एवरेज बता दें क्या रहती है पलटर के साथ? 14-15 के साथ। ठीक है, डिमांड रिपीट करी? सवा बारह। इसमें कुछ कमी बेची हो जाएगी अगर सीयर्स वायर आपके साथ कॉन्टेक्ट करे लेने वाला बंदा? 1170 हो जाएगी। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0012-315-6947। क्या नाम है आपके सर? शाहरुख भाई। लोकेशन कहाँ की है? हैदराबाद। कौन सी जगह? लतीफाबाद की। अच्छा जी, तो अगर आप लोग मेरी वीडियो हैदराबाद से देख रहे हैं, ये बिल्फस गाड़ी अगर यहाँ पे सेल नहीं होती, ये गाड़ी आप लोगों को हैदराबाद में मिल जाएगी, लतीफाबाद में। 8 नंबर लतीफाबाद की लोकेशन है। अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हैं तो आप लोग लोकेशन का पता होगा। तो भाई की गाड़ी अगर बिल्फस यहाँ सेल नहीं होती तो आप लोग वहाँ मिल सकती है। शुक्रिया। ठीक है सर जी, अगर आपके पास कॉल वगैरह अस्सलाम वालेकुम। एक और जबरदस्त कल्टस हमें देखने को मिली है, मॉडल 2014 का है, ए फाइव इंजन वाली और VXRi का वेरिएंट है। ठीक है जी, इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप भाई जो है पूरी गाड़ी शेयर कराते हैं, उसके बाद उन्होंने के साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी के टायर्स वगैरह चेक कर लेते हैं जी। टायर्स की बात करें तो लायर में हमें देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं इस गाड़ी की विंड स्क्रीन की तरफ, विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ है, कहीं से क्रैक वगैरह नजर नहीं आ रही। और बोनट की बात करें तो माशा से बोनट भी इस गाड़ी का बिल्कुल साफ मिल रहा है देखने को। लाइट्स कवर कर लेते हैं जी, ये इस गाड़ी की ड्राइवर साइड की लाइट है और फ्रंट साइड आप चेक कर सकते हैं। ये पैसेंजर साइड लाइट है, बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। फाइनल चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का जी, राइट हैंड साइड का ये बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ड्राइवर साइड का दरवाजा वो भी देख लें और पैसेंजर साइड का दरवाजा भी देख लें। दो तीन पीस टचअप में है वैसे गाड़ी, ये ऑनर के साथ मिलेंगे, पूछेंगे कौन से पीस इस गाड़ी के टचअप में है। चारों डोर जो है सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे आपको। ये गाड़ी की बैक साइड है और बैक साइड की लाइट्स वगैरह जो है वो भी कवर कर लेते हैं जी। दोनों लाइट्स हमें बिल्कुल साफ मिल रही है। बम्पर वगैरह भी सही, बम्पर पे स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये इस गाड़ी की पैसेंजर साइड की लुक है और उसको भी दिखाया है देता हूँ। यहाँ से देख लें इस गाड़ी को, माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। और डोर ओपन कर लेते हैं जी। ये दरवाजा खोलिए सर, डोर खोलिए। बंद है अच्छा, तो ये वाला डोर बंद है। बाकी इस गाड़ी के डोर हैं वो चेक करा देता हूँ, इनकी सील जो है वो भी आप बैंक साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ से देख लें इस गाड़ी की साइड,
और इंटीरियर की बात करें तो मैरून कलर और ब्लैक कलर की कंट्रास्ट में जो है इस गाड़ी का तैयार किया गया है। इसलिए इस गाड़ी के सीट्स और दरवाजे के जो है कवर, यहाँ से दरवाजों की सीट बिल्कुल साफ है। फुल बैग साइड भी देख लेते हैं, क्लिप देख लेंगे गाड़ी के, डैशबोर्ड इस गाड़ी का चेक कर लेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी बिल्कुल क्लीन कंडीशन में मौजूद है। नो डाउट इंटीरियर से गाड़ी पूरी की पूरी जेन्युइन देखने को मिलेगी आप लोगों को। आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से भी चेक कराए थे वैसे आप लोग गाड़ी की। फ्रंट का जो है और पैसेंजर साइड का जो है फाइंडर, ये भी देख लें। और ड्राइवर साइड से मैं आप लोग गाड़ी सर्विस चेक कराया जाता हूँ, यहाँ से चेक कर लें सीट वगैरह बिल्कुल जेन्युइन की तरफ मिलेंगे हमें। और तकरीबन 35,000 किलोमीटर गाड़ी यहाँ पे शो हो रही है चली हुई। और बढ़ते हैं इंजनों की तरफ, और इंजनों भी शेयर कराए थे हम भाई सर, उसके बाद फिर उनके साथ मिलकर ट्राई किया गाड़ी की, वो भी शेयर कर देंगे। आराम होगा खाना हमारा। इस गाड़ी का इंजन रूम है 1.0 इंजन से कहते हैं। और जम साइड की मुखिया भी चेक कर लें, टिकट साइड देख लें इस गाड़ी की सेकंड मुखी, और ड्राई बैटरी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। फ्रंट की गाड़ी साइड देख लें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी की जो है बोनट की सीट देख लें, इंटीरियर से पूरी की पूरी जेन्युइन मिलेंगी। ये गाड़ी है आप लोग के सामने है, पूरी गाड़ी का जो रिव्यू किया है। उसके बाद अभी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, अमन थोड़ी सी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है सर? इसके 14.5 लाख रुपए डिमांड है मॉडल सर, ये 14 एंड का है और 15 का नंबर लगा जी। 15 पेपर में क्लियर है सर गाड़ी जी, सब कुछ कोई काम का पेशा नहीं है इस गाड़ी में, कुछ भी नहीं है। अच्छा कौन सा चीज इस गाड़ी के बता रहे थे आप? इसके दो फेंडर है और एक दरवाजा है। फ्रंट के दो से तीन चार पिस्टन, दो से चार पिस्टन, चार पिस्टन। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? सब कुछ ओके मिलेगा। एसी वगैरह वर्किंग है सर इस गाड़ी में? जी एसी वन है, दोनों जेन्युइन है इस गाड़ी में बिल्कुल जेन्युइन नंबर प्लेट है। क्या रहती है प्लेट के हिसाब से अगर कोई घर के लेना चाहे तो गाड़ी है? एवरेज इसका देता है ये 14 से 15-16 तक एवरेज देता है प्लेट के हिसाब से। जी जी प्लेट, ठीक है सर। अपना नंबर शेयर कर दीजिए, 0347-3381-024। क्या नाम है आपका सर? वकास खान। कहाँ के लोकेशन है भाई? बनारस मेन बाचा खान चौक। ठीक है सर, इसकी डिमांड में कुछ कमी पेशी हो जाएगी? जी कुछ कमी। डिमांड रिपीट कर दीजिए, ये डिमांड 14.5 लाख रूपए एक्सपायर हो तो कम पेशी हो जाएगी? जी बिल्कुल। ठीक है भगत भाई, बहुत शुक्रिया। कॉल वगैरह है तो अपने हिसाब से आप गाइड कर लीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, जबरदस्त कंडीशन में हमारे सामने है अल्टो VXL पावर विंडो वाली, VXL का वेरिएंट है और बिल्कुल साफ सुथरी डेंटिंग कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। आप भाई सर जो शेयर करें उस गाड़ी की कंडीशन, तो इस गाड़ी की पूरी जेन्युइन कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। बाकी बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप साथ शेयर करते हैं, उसके बाद उनके साथ उनके प्राइस क्या गाड़ी की वो भी शेयर कर देते हैं। आ जाते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ, मशा से टायर्स की बात करें तो टायर्स इस गाड़ी के तकरीबन आप लोग जो 80% के आसपास टायर के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सेफ्टी वाले टायर्स इस गाड़ी के कंडीशन में होंगे। ये इस गाड़ी के फाइंडर है, फाइंडर बिल्कुल साफ है। फ्रंट से लाइट्स की बात करें तो ड्राइवर साइड की लाइट है वो भी हमें बिल्कुल साफ मिली देखने को। और फ्रंट से आप लोग चेक कर सकते हैं सुजुकी का लोगो नजर आ रहा होगा आपको ग्रिल साइड पे। सेकेंड लाइट जो है पैसेंजर साइड की बिल्कुल साफ मिली देखने को। विंडो स्क्रीन की बात करें तो माशा से विंडो स्क्रीन इस गाड़ी के बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, मशा बिल्कुल साफ है। आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है पैसेंजर साइड की तरफ, यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी देखने को मिल रही है, कोई नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी मिली है। ये इस गाड़ी की जो है पैंडर साइड पैसेंजर साइड ये बिल्कुल साफ है। बीस का मॉडल है, VXL का वेरिएंट है। इस गाड़ी की जो है पैसेंजर साइड के लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है। टायर चारों सेम कंडीशन में देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं बैक साइड की तरफ, ऑटो गियर शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों नजर आ रहा होगा। VXL का वेरिएंट है भाई, ऑटो ट्रांसमिशन वाली। बैक साइड से आप लोग चेक कर सकते हैं, से गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की ड्राइवर साइड की लुक है, यहाँ से बिल्कुल साफ मिली देखने को। बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ,
डोर्स की बात करें तो डोर्स की सील माशा से बिल्कुल साफ क्लीन कंडीशन में मौजूद है। क्लिप वगैरह चेक कर सकते हैं, इंटीरियर माशा से देख लें, इस गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। एक बड़ा एंड्रॉइड पैनल वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर से बिल्कुल चमचमाती हुई कंडीशन में गाड़ी देखने को मिलेगी। बैक डोर भी पावर है इस गाड़ी के, फ्रंट डोर भी इस गाड़ी के पावर मिलेंगे। ऑटो गेयर शिफ्टिंग में है गाड़ी। पावर विंडो है जी, पावर मिरर ऐसे राइट लेफ्ट भी हो सकते हैं मिरर इस गाड़ी की, और विंडो भी इस गाड़ी की पावर है। गेयर शिफ्टिंग जो ऑटो है इस गाड़ी की। एंड्रॉइड पैनल इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। सीट्स वगैरह बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद है, कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। डोर की सीट आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है। यहाँ से हल्का पूरा जो है रस्टेड है लेकिन साफ है, मतलब कि फुल जो है ना होता है कि काम करवाने की जरूरत पड़े वो नहीं है, नॉर्मल रस्टेड है। अच्छा, 660 सीसी इंजन में होती हैं ये गाड़ियाँ और इनकी पेट्रोल लेवल बड़ी अच्छी होती है। 660 सीसी इंजन देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, और इंजन वगैरह सब सील्ड है, जीरो टचिंग में गाड़ी है, पूरी की पूरी ओरिजिनल। यहाँ से कह सकते हैं डोर्स की सील वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में होगी। एल का वेरिएंट पूरी गाड़ी के नाम है 19 ऐसे 24 लाख। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड है गाड़ी की? अगर डिमांड इसकी 24 लाख रुपये डिमांड है। मॉडल 2019 का मॉडल है, 19 का ही नंबर लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, क्लियर है, कोई काम सस्पेंशन इंजन में पूरी गाड़ी चेंज बने, पूरी चेंज ठीक है जी। और इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है? 21-22 है, और सिटी में जो है ये 16-17 देती है। ठीक है सर, नंबर अपना शेयर कर दीजिए। ये तो भाई का नंबर जो है शेयर कर देते हैं। हाँ भाई सर, मॉडल 17 सर, 17 लगे पड़े हो। 17 मॉडल नई चाबी है, पुरानी चाबी है? ना ना पुरानी। ओ भाई ले जाओ ये आरो। हाँ, 0342-24-39-652 भाई का नंबर है। और नाम सर? शबीर नाम। अच्छा, डिफेंस गोल मस्जिद की लोकेशन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और इसके पेपर सब क्लियर है ना सर? नंबर प्लेट आई हुई है इस गाड़ी की? नहीं, नंबर प्लेट अभी तक नहीं, एक्साइज में मौजूद है, उसका लेटर वगैरह मौजूद है। ठीक है, डिमांड जरा एक बार रिपीट कीजिए। मांग है इसकी 24 लाख, मांग रहे 23.5 में देनी, इसकी डिमांड है 23.5 में अपने फाइनेंस देनी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जबरदस्त होंडा सिटी हमें देखने को मिली है, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। और गाड़ी के आउट साइड की कंडीशन में आप आएंगे को बताता चलूँ। आउट साइड से गाड़ी है शावर मिलेगी, इंटीरियर से पूरी की पूरी गाड़ी आप आएंगे जेनवन मिलेगी। जितने भी लोग होंडा सिटी की रिक्वेस्ट करेंगे, होंडा सिटी हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग गाड़ी चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, ऑनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आएंगे आप भाई सर जी चेक कर देंगे। तो बढ़ते हैं गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स की बात करें तो तकरीबन 80% के आसपास टायर्स गाड़ी की जो कंडीशन में मौजूद है, नॉन स्टेपिंग वाला टायर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हो गई। आ जाते हैं इस गाड़ी की विंडो स्क्रीन की तरफ। विंडो स्क्रीन में यहाँ से क्रेक मिल रही है आप लोग पैसेंजर साइड से, बाकी ओवर से आप लोग स्क्रीन जो इस गाड़ी की जनरल कंडीशन में देखने को मिलेगी। आउट साइड की कंडीशन में गाड़ी की जो है शावर है, और लाइट्स वगैरह इस गाड़ी की कवर कर लेते हैं। ये लाइट्स हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। इस गाड़ी की बोनट वाला एरिया भी देख सकते हैं, बोनट की मशीन से बिल्कुल साफ मिला है इस गाड़ी का। ग्रिल से देख सकते हैं, होंडा का लोगो मिल रहा होगा देखने को, और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में इस गाड़ी का जो है ग्रिल वाला एरिया। ट्रैफिक लाइट की लाइट भी चेक कर सकते हैं, बम्पर की फिटिंग वगैरह मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। लाइट देख सकते हैं बिल्कुल साफ है, फाइंडर वगैरह चेक कर लें इस गाड़ी के, फाइंडर बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो इस गाड़ी का जो है पैसेंजर साइड का डोर बिल्कुल साफ है, और पैसेंजर साइड का बैक साइड का डोर जो है वो भी बिल्कुल साफ हमें देखने को मिल रहा है। चारों टायर सेमी कंडीशन में मौजूद है। होंडा सिटी है जी, ऑटो ट्रांसमिशन में जी, अपने इंजन में है गाड़ी, सिल्वर कलर में गाड़ी मौजूद है। बैक साइड के डोर जो है लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है, और बम्पर की फिटिंग बिल्कुल साफ मिली हमें देखने को बैक साइड से भी। डिगी की तरफ आ जाते हैं जी, डिगी पे जो है बैक कैमरे का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में, नो डाउट दोनों लाइट्स इस गाड़ी के हमें साफ देखने को मिल रही है। बैक साइड की स्क्रीन बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड की तरफ, तो डोर वगैरह चेक कर लें। ड्राइवर साइड का फ्रंट डोर है, इंटीरियर थोड़ा कवर कर लेते हैं इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, और डोर की सील आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कंडीशन में मौजूद है।
पावर विंडो है जी, पावर मिरर रही गाड़ी। ऑटो ट्रांसमिशन में एंड्रॉइड पैनल वगैरह इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। सीट्स वगैरह जो है देख सकते हैं लेदर कवर वगैरह में मौजूद है इस गाड़ी में। दोनों सीट्स इस गाड़ी की फ्रंट साइड की बिल्कुल साफ से कंडीशन में मौजूद है। बैक साइड की सीट बिल्कुल साफ है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आप भाई के साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा उस साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, आप लोगों को जो खुल के दिखा दूँ मैं। आ जाते हैं जी बैक साइड के डोर की तरफ। बैक साइड के डोर के ऊपर की सील बिल्कुल साफ है, लेकिन नीचे सेल पे मुझे थोड़ा सा रिपेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इंजीनियर नो डाउट गाड़ी का अच्छा है, बाकी बढ़ते हैं गाड़ी के जो इंजनों की तरफ, इंजनों भी शेयर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी का इंजन है और 1.3 1300 सीसी इंजन है। इस गाड़ी का अपना जेन्युइन इंजन है। फ्रंट साइड की मुखिया वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। एसी की फिटिंग वगैरह बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फ्रंट की ग्रिल साइड बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। होंडा सिटी है, ऑटो ट्रांसमिशन में ये 1300 सीसी इंजन है भाई। अच्छा तो बढ़ते हैं अभी ओनर की तरफ और पूछते हैं क्या प्राइस है, कितने में देना चाह रहे हैं गाड़ी ये। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, थोड़ा सा माइक नीचे कर। हाँ क्या डिमांड कर रहे हैं सर इस गाड़ी? 16.5 लाख 2005 जी। ऑटो ट्रांसमिशन में अपने इंजन में गाड़ी, अपने इंजन पेपर में क्लियर से गाड़ी, हर चीज में क्लियर, टचअप के साथ पूरी गाड़ी शावर है, शावर अंदर से इंटीरियर से जेन बने गाड़ी जी। डिमांड इस गाड़ी की रिपीट करें 16.5 कुछ कमी पेशी सीरियस बायर अगर हो तो बस वो हो जाएगा मौके पे। ठीक है, कोई काम वगैरह तो नहीं? सस्पेंशन नहीं, रेडी टू ड्राइव पे, मतलब एसी वर्किंग है इस गाड़ी का जी। अपने डिमांड थोड़ा गाइड कर लो 16.5। अच्छा जी, तो कोई काम सस्पेंशन नहीं होगा? नहीं नहीं बिल्कुल। क्या रेट है इसके एवरेज वाइज पैलेट के हिसाब से अगर कोई जाके लेना चाहे तो? 12 का तो देती है, 12 का देती है पैलेट के हिसाब से। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा 0313 250 9900। नाम है सर रिजवान। रिजवान भाई कहाँ की लोकेशन है? जौहर। जौहर की लोकेशन है, लोकल में। ठीक है रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। गॉड वगैरह तो अपने हिसाब से कोई लीजिए। और थैंक यू रिजवान भाई। रिजवान भाई के पास गाड़ी मौजूद है 2005 का, ये मॉडल है। गाड़ी मशीन से अच्छी कंडीशन में है, अगर आप लोग गाड़ी परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। ऑनर का नंबर पूरी डिटेल के साथ आप उनसे शेयर कर दिया है। और ऑटो ट्रांसमिशन भी जो है सिटी के बारे में काफी लोग हमसे पूछते हैं भाई सिटी ऐड करें, ऑटो ट्रांसमिशन तो ऐड कर दिए। पानी वाला आगे की तरफ और आगे देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है, क्या प्राइस चलेंगे गाड़ी की। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, 250 टेरस स्कूड हमारे सामने है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी ये मौजूद है। बोनेट के अलावा, बोनेट के अलावा कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी आप लोगों को ये जेन्युइन मिलेगी। 99 का ये मॉडल है, 2006 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, उसके बाद फिर उनके साथ मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी शेयर कर देते हैं भाई साथ। तो इस गाड़ी के सबसे पहले टायर्स वगैरह कवर कर लेते हैं। लगर हमें देखने को मिल रहे हैं इस गाड़ी में, तकरीबन कह सकते हैं 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी की गुड कंडीशन में मौजूद है। फाइंडर देख रहे हैं इस गाड़ी का, फ्रंट साइड का वो भी जो हमें बिल्कुल साफ कंडीशन में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन इस गाड़ी की क्रेक मिल रही है देखने को, ड्राइवर साइड से भी क्रेक है, पैसेंजर साइड से भी गाड़ी क्रेक है। बोनट इस गाड़ी का वो आप लोगों को जो है अच्छी कंडीशन में मिलेगा, बाकी इसके अलावा पूरी जो बॉडी वाइज दूसरी चीज़ें होती हैं गाड़ी की वो जेन्युइन है। लाइट्स इस गाड़ी की साफ है, यहाँ से फ्रंट से आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी ग्रिल साइड भी साफ मिल रहा है, सेकेंड लाइट भी इस गाड़ी की हमें साफ मिल रही है। जेन्युइन नंबर प्लेट्स इस गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा दो लाइट्स इंस्टॉल्ड है इस गाड़ी के अंदर। और ये है इस गाड़ी का फाइंडर, टायर इस गाड़ी के चेक कर लें, चारों टायर इस गाड़ी के सेम कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ब्रेक जो आप लोग स्क्रीन पे वाजे नजर आ रहा होगा, ये है इस गाड़ी का ड्राइवर साइड का डोर, ये इस गाड़ी का बैक डोर ड्राइवर साइड का, दोनों डोर चेक कर लें बिल्कुल साफ मिल रहे हैं, हल्की फुल्की नीचे से रबड़ मिल रही है वैसे और ऊपर की तरफ से साफ मिल रही है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैक टायर, वो भी बिल्कुल साफ मिल रहा है देखने को। टायर टू टायर ऑफ 99 का ये मॉडल है, 2006 पाकिस्तान में। बैक साइड की लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बम्पर साइड का एरिया देख लें, स्पेयर व्हील लगा हुआ है, उसमें भी अलॉय रिम ही लगा हुआ, मतलब पांचों इस गाड़ी के टायर्स जो हैं अलॉय रिम में सेम मतलब के डिजाइन में। आ जाते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, यहाँ से भी गाड़ी को देख लें, हल्की फुल्की क्रैचेस हैं, लाइंस वगैरह मौजूद हैं। इंटीरियर इस गाड़ी का कवर कर लेते हैं साथ साथ,
अस्सलाम वालेकुम जी, इंटीरियर की तरफ आ गए। अभी हम लोग इंटीरियर थोड़ा कवर कर लेते हैं, गाड़ी में सीट वगैरह चेक कर लें, डोर की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, यहाँ से चेक कर लेंगे इस गाड़ी का जो फुटबेरी एरिया होता है वो बिल्कुल साफ है, साफ कंडीशन में मौजूद है। सीट्स वगैरह देख सकते हैं माशा से सीट बिल्कुल साफ मिल रही है। यहाँ से डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं माशा से साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है डैशबोर्ड इस गाड़ी का। बाकी बढ़ते हैं फ्रंट डोर की तरफ, फ्रंट डोर भी शेयर कर देते हैं। फ्रंट डोर की सीट्स वगैरह देखने में बिल्कुल जेन्युइन की कंडीशन में मौजूद है। पावर विंडो मिल जाएगा इस गाड़ी में और तकरीबन यहाँ पे तो मीटर मेरे ख्याल में सही नहीं है इस गाड़ी का, फिलहाल के अराउंड ये गाड़ी चली हुई है। जैसे सीट्स देख सकते हैं आप लोग, प्लास्टिक वगैरह सीट्स पे लगी हुई हैं, सीट्स की ये दोबारा रिपेयरिंग करवाई गई है मेरे ख्याल में। बाकी गाड़ी माशाल्लाह से इंटीरियर से और क्लास कंडीशन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाड़ी के जो इंजन रूम की तरफ और रूम शेयर कराए थे आप भाई साथ। टायर का टायर स्किड है 99 का, ये मॉडल है 2006 रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ही। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है भैया। ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी मैनुअल है, मैनुअल। अच्छा, इस गाड़ी का इंजन कितने सीसी है? 1000 सीसी। अपना इंजन है? नहीं, इंजन चेंज है। लोग आसान नहीं करते, जो शार्ट आता है तो 1000 करते हैं। आसान लगा, इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है या नहीं? अपडेट भी है। 1000 सीसी इंजन है इस गाड़ी के अंदर, बुक पे अपडेटेड है। और पहले इस गाड़ी के अंदर 660 सीसी इंजन था। मैनुअल ट्रांसमिशन में वैसे इस गाड़ी का इंजन है और बाकी इंजन रूम इतना साफ नहीं किया हुआ भाई ने, और है जेन्युइन की कंडीशन में। एसी वगैरह इस गाड़ी में लगा हुआ है और बॉनेट की सीट मार्क बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में होती है। बट ऑनर की तरफ पूछते हैं प्राइस क्या, कितने में देना चाह रहे हैं गाड़ी? एक मिनट देते हैं, इधर आ जाए, उसको यहीं लगा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या मॉडल है, क्या डिमांड है इस गाड़ी की? ये 99 का मॉडल है, जापान का, 2006 की रजिस्टर्ड है पाकिस्तान की। पूरी गाड़ी जेन्युइन में है, आपने गाड़ी का व्यू किया और माशाल्लाह कोई गाड़ी में ऐसा काम भी नहीं है, चल रही है, बहुत अच्छी है। लोकल गाड़ी है, 5 डोर है, जीप की कैटेगरी में आती है। इंजन इस गाड़ी का चेंज किया हुआ है? इंजन इसमें 660 आते हैं, लोग पसंद नहीं करते। 1000 सीसी को जो है लोग लाइक करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन है 4WD वर्किंग के साथ। एवरेज वाइज क्या रहता है? एवरेज वाइज 16-17 इसकी एवरेज। ठीक है, पेपर में गाड़ी क्लियर है आपके लिए। और टचिंग क्या बता रहे थे आपकी? सिर्फ एक बोनट इस गाड़ी का टच है, ये भी सिर्फ जो है हमने ये लुक वाइज देने के लिए किया। इसके अलावा पूरी गाड़ी जेन्युइन है। ठीक है सर जी, डिमांड रिपीट कर रही है सर? डिमांड इसकी फाइनल 15 लाख रुपए हम कर रहे हैं। नंबर है हमारा 03102132405। क्या नाम है आपका सर? अहमद तैयब। तैयब भाई, लोकेशन कहाँ की है? माड़ीपुर। माड़ीपुर की। ठीक है तैयब भाई, शानी ब्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है, अगर कोई भी आपके साथ कॉल पे रब्ता करे तो अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, 3 लाख की रेंज में जो लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे भाई, 3 लाख की रेंज वाली गाड़ी ले आए आप लोग के लिए। 2001 का मॉडल किया और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। गाड़ी वैसे बाहर से शावर्ड ही है, बाकी पूरी गाड़ी का रिव्यू करते हैं उसके बाद करोड़ों की सब मिलकर प्राइस की गाड़ी की वो भी आप भाई शेयर कर देंगे। सबसे पहले इस गाड़ी के टायर्स की तरफ आते हैं जी। टायर्स इस गाड़ी के अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तकरीबन के न्यू ही कह सकते हैं। अलॉय रिम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। बाकी यहाँ से आप गाड़ी का फेंडर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है। और स्क्रीन भी इस गाड़ी की मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, यहाँ से चेक कर सकते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लाइट्स। और सेकंड लाइट्स की बात करें तो सेकंड लाइट्स की गाड़ी की मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ड्राइवर साइड की लाइट है वो भी हमें साफ मिल रही है। बम्पर पर हल्की फुल्की आप लोग जो है रगड़े मिल जाएंगी, कराची है तो अच्छी बात है, कलर वगैरह यहाँ से पेड़ मिल गया आप लोगों को मिल रहा होगा। या बाकी यहाँ पे फेंडर की बात करें तो फेंडर की बल्कि रगड़ वगैरह मिल रही है देखने को। और वैसे बॉडी में कोई मेजर काम नहीं है, ये इस गाड़ी का जो है ड्राइवर साइड वाला एरिया है, यहाँ से देख लें इस गाड़ी को साफ मिल रहा है हमें देखने को। बैक टायर चेक कर लें, टायर इस गाड़ी के चारों सेम ही कंडीशन में मौजूद है। बैक फेंडर वगैरह देख लें भी हमें सही कंडीशन में देखने को मिला। बैक साइड की तरफ आ जाते हैं जी, बैक साइड की लाइट्स की बात करें तो बैक साइड की लाइट्स हमें साफ मिल रही है देखने को। सेकंड लाइट की तरफ आ जाते हैं, ये भी हमें साफ कंडीशन में देखने को मिल रही है इस गाड़ी की। आ जाते हैं पैसेंजर साइड की तरफ, ये इस गाड़ी का पैसेंजर डोर है। बैक साइड का ये बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ से हल्का बिल्कुल कलर वगैरह लगा हुआ है। मेजर काम नहीं है इतना, जिस तरह का मॉडल है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गाड़ी फिर भी काफ़ी बेहतर कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है इस गाड़ी में। मॉडल 2001 का है जी,
इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी पावर होता है ना? अच्छा स्टीयरिंग नॉर्मल है इस गाड़ी का। एसी वगैरह ऑन है वर्किंग में? एसी ऑन है इस गाड़ी का भाई, इस गाड़ी का तो एसी ऑन है, मेरा भी इस गाड़ी का पावर है भाई, ये भी देख लें आप लोग। और इंटीरियर से डोर आप लोग को जेन्युइन मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है कि इसका इंटीरियर जेन्युइन देखने को मिलेगा। ये फुटबेरी की आप लोग साइड यहाँ चेक कर सकते हैं ना भाई, ये जेन्युइन देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड पे इस गाड़ी का जो है अच्छी कंडीशन में मौजूद है, ये नहीं है कि यार बिल्कुल लो हुआ है या कंडीशन रफ है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का बिल्कुल साफ है, बस थोड़ा सा इधर केमिकल वगैरह लगेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स भी भाई काफ़ी हद तक आप लोगों को अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेंगी, कवर वगैरह वैसे इंस्टॉल नहीं है, बाकी है अच्छी लुक में गाड़ी। बैक डोर भी साथ साथ चेक कराए तो भाई को, और इंटीरियर से बड़ी गाड़ी साफ है ये भाई, और ऊपर की तरफ से गाड़ी की जो सीट सही है, लेकिन नीचे की तरफ से रिपेयरिंग की रिक्वायर्ड है वैसे। और अभी बढ़ते हैं ड्राइवर साइड के डोर्स की तरफ, ये डोर दोनों डोर भी आप लोग खुल के दिखा देते हैं, यहाँ से चेक कर लें जी। इंटीरियर से गाड़ी जेन्युइन है वैसे, बाहर से वैसे गाड़ी शावर है, आउटसाइड की कंडीशन से यहाँ से भी डोर वगैरह यहाँ से रिक्वायर्ड है रिपेयरिंग की। और मेरी साइड भी सही है इस गाड़ी की, आ जाते हैं जी ड्राइवर साइड के डोर की तरफ, यहाँ से वही कंडीशन है सेम, पीछे से कोने से रिपेयरिंग की जरूरत है। डोर पावर है इस गाड़ी के, मिरर भी इस गाड़ी के पावर के रोटेट लगे हुए हैं भाई, एक काम करते हैं या नहीं ये पता नहीं है। बाकी इंजन रूम इस गाड़ी का चेक कराए थे जी, और मेरे ख्याल में ये गाड़ी अपने इंजन में होगी है। फिर बात सर मैं इस गाड़ी की डिटेल के साथ पूरी जो है चीज़ें शेयर कर देंगे। एसी की फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं एसी वैसे इस गाड़ी के अंदर होने, और रूम भी इस गाड़ी का जेन्युइन है भाई, मेरा कीमत में आप लोग गाड़ी ये मिल रही है तकरीबन कह सकते हैं, रूम भी इस गाड़ी का काफ़ी हद तक जेन्युइन है भाई। और इंजन रूम मेन चीज़ होती है गाड़ी की भाई, ये अगर आप लोग जेन्युइन देखने को मिल रही है तो बस फिर। बोनट की बात करें तो बोनट की सीट भी अपनी जोरों में मौजूद है। बाकी बढ़ते हैं ऑनर की तरफ, उस टाइम प्राइस क्या कितने में देना चाह रहे हैं गाड़ी जी, और टैक्स 2018 तक क्लियर है, वो मैं 24 तक पे करके, 24 तक आप ही पे करके देंगे। ठीक है सर जी, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी सस्पेंशन हो गए, इंजन जो है वो 70% ओके है, और सस्पेंशन ओके है, बिल्कुल टायर इसके ओके हैं, डाले हैं और जेन्युइन गाड़ी है, शावर है ऊपर से और अंदर से पूरी अंदर से पूरी गाड़ी है। ठीक है, और इस गाड़ी का एसी भी लगा हुआ है जी, एसी भी ऑन है, एसी वर्किंग है जी, वैसे ठीक है। एवरेज क्या रहती है फिर इस गाड़ी, ये 7-8 किलोमीटर देती है पर लीटर, विदाउट एसी 11-12 देती होगी, विदाउट एसी में 7-8 है। और एसी कम की है इस गाड़ी की, ये 1300 सीसी इंजन है, 1300 सीसी 1.3 का इंजन है, इसलिए एवरेज वाइज गाड़ी की कम है, और इंजन चेंज भी हो जाता है इन गाड़ियों में, हो जाता है। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, 03170279844। क्या नाम है आपका? आबिद नाम, आबिद पे लोकेशन कहाँ की है? औरंगी टाउन, औरंगी टाउन। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अगर कॉल वगैरह है तो अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जबरदस्त कंडीशन में एक सड़ाई मौजूद है, मॉडल 2015 का है, सिंध नंबर प्लेट गाड़ी है ये, और जितने भी लोग इस सड़ाई की रिक्वेस्ट करते हैं, एक सड़ाई हम लोग वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आती है कि पंजाब नंबर गाड़ियाँ क्यों नहीं ऐड करते भाई, यहाँ से आप लोग देखते चले, सारा सिंध नंबर गाड़ी है भाई, तकरीबन भी आप लोगों को यहाँ पे 99% आप लोगों को सिंध नंबर प्लेट की गाड़ियाँ मिलेंगी, और तकरीबन 1-2% ऐसा है कि अगर गाड़ी आप लोग पंजाब में राजस्थानी इस्लामाबाद नंबर मिल गई तो मिल गई, वरना सारी सिंध नंबर प्लेट गाड़ी मौजूद होगी यहाँ पे चंडीगढ़ मार्केट में। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी की रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप बाइंग से शेयर करते हैं, उसके बाद ऑनर सर नंबर मिलकर जो नंबर वगैरह क्या है, डिटेल वगैरह क्या है, पूरी जो है शेयर कर देंगे। तो ये इस गाड़ी के टायर है तकरीबन कह सकते हैं 80% टायर गाड़ी अंदर स्टॉल है। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हम बिल्कुल साफ मिल रही थी, तो यहाँ से कोने से वैसे ग्रेट है, इस साइड से जो है सब पूरा साफ मिल रहा है। ग्रिल साइड की बात करें तो ग्रिल सही है, लेकिन जो इस गाड़ी का लोगो है वो आप लोगों को पेड़ मिलेगा देखने को। इस गाड़ी की पैसेंजर साइड की लाइट है, ये हमें साफ मिल रही है, वो बंपर वाला एरिया देखें नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है। और विंडो स्क्रीन की बात करें तो विंडो स्क्रीन इस गाड़ी का हमें साफ मिल रही है देखने को, ये इस गाड़ी का चेक कर सकते हैं। बोनट
बोनट भी बिल्कुल साथ की कंडीशन में मौजूद है इस गाड़ी का। और आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है ड्राइवर सर की तरफ, यहाँ से ये लुक कवर कर लेते हैं जी, फाइंडर चेक कर लें इस गाड़ी का, फाइंडर से साफ है गाड़ी की, फ्रंट साइड के डोर से देख लें इस गाड़ी को, और पैसेंजर साइड का भी साफ साफ देख लें, फाइंडर देख लें बैक साइड का, ये बिल्कुल साफ हमें देख लेते हैं। चारों टायर इस गाड़ी की जो है सेम कंडीशन में मौजूद है, बैक साइड की लाइट्स वगैरह देख लें, मशीन से बिल्कुल साफ है। आ जाते हैं सेकंड राइड की तरफ, जहाँ से देख लें मशीन से बिल्कुल साफ कंडीशन में मौजूद है, नो डाउट गाड़ी की कंडीशन है। और ये इस गाड़ी का जो है बैक साइड का जो है फाइंड साफ मिल रहा है देखने को, बैक साइड के डोर चेक कर सकते हैं, पैसेंजर साइड वाला डोर, बैक साइड का फ्रंट डोर भी बिल्कुल साफ है, फाइंड वगैरह चेक कर सकते हैं, कंडीशन भी बिल्कुल साफ की कंडीशन मिल रही है। इंटीरियर का बता लेते हैं इस गाड़ी का थोड़ा सा, अस्सलामुअलैकुम जी, आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, और ये इस गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर से गाड़ी वैसे जेन्युइन है, दरवाजों की सीट हल्की फुल्की ऊपर से रिपेयर नजर आ रही है, पर नीचे से जेन्युइन है, फिर मेरी साइड सही है इस गाड़ी की, बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यार गाड़ी को इतना बेमालकी रखा गया है, मालकी नहीं थी गाड़ी की, और फिनिशिंग की जरूरत है गाड़ी में। कीमत भी पता कर लेंगे भाई, वैसे है XLI कनेक्टेड टू GLI, एंड्रॉइड पैनल वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में, सीट्स वगैरह देख सकते हैं, और फ्रंट साइड का डोर वो भी कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद से ऑनर के साथ मिलेंगे, प्राइस की गाड़ी को भी शेयर कर देंगे। असलम फ्रंट डोर की तरफ आ जाते हैं जी, पावर विंडो में देखने को मिल जाएंगी, फ्रंट से डोर की सील भी कुछ जन्मन हालत में मौजूद है, और तकरीबन 32,000 किलोमीटर यहाँ पे शो हो रही है गाड़ी चलेगी। विंडोर पैनल देखने को मिल जाएगा, लेदर का वगैरह सीट्स पे लगी हुई है, बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, रूम अगर क्या गाड़ी का शेयर कर देते हैं भाई साहब। 1300 cc 1.3 के इंजन में गाड़ी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस गाड़ी का इंजन रूम है 1.3 1300 cc, और इंजन रूम भी बिल्कुल समझो कि मैली कंडीशन में मौजूद है, साफ वगैरह नहीं किया हुआ भाई ने, एम साइड की मुख्य दोनों सही है, ड्राई बैटरी इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी सर्विस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, बोनट की सील माशा से बिल्कुल साफ है। और अभी बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछ लेते हैं प्राइस क्या है, कितने में गाड़ी ये देना चाह रहे हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है सर? 25.5 lakh rupees 2015 की ये गाड़ी है सर, क्यों इतना अंदर से इंटीरियर बिल्कुल मेला किया हुआ है गाड़ी का यार? बस वो गाड़ी इंटर क्लीनिंग नहीं की हुई गाड़ी, इंटर क्लीनिंग नहीं करी, 2015 2.5 lakh 25 तो इस गाड़ी की डिमांड 25.5 है, 2015 का मॉडल है, कोई काम वगैरह तो नहीं है, सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी ओके, एसी वगैरह ऑन है इस गाड़ी का, अपने इंजन में गाड़ी है, चेंज है तो कोई अपडेट है रसीद वगैरह? नहीं अपडेट नहीं है, रसीद मौजूद है जी, मौजूद है, ठीक है सर जी। और अपना नंबर शेयर कर दीजिए जो आपके इस्तेमाल में होता है सर, 0330-36-84-086। क्या नाम है आपके सर? साद नाम। साद भाई कहाँ की लोकेशन है? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल की लोकेशन है। साद भाई डिमांड रिपीट कर दीजिए इसके जी, डिमांड एक बार रिपीट करें, 25.5 lakh कभी पेशी अगर सीरियस बायर हो जाएगी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपके पास कॉल आया तो फिर अपने साथ बैठ लीजिए। तो साद भाई के पास गाड़ी मौजूद है, गुलशन इकबाल की लोकेशन है, तो जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई XLI की, तो XLI हम लोगों ने ऐड कर दिए, उनका नंबर वगैरह सब डिटेल के साथ शेयर कर दिया, अगर आप लोग जो है गाड़ी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, और मॉडल 2015 का ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, 2017 की एक जबरदस्त सुजुकी बोलाना में देखने को मिली है, और गाड़ी बाहर से कंडीशन
टचअप कह सकते हैं बाकी इंटीरियर से पूरी गाड़ी आप लोगों को चैलेंज देखने को मिलेगी। जितने लोग जो कि बोलान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुलाने को वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग गाड़ी समझ आ रही है तो परचेज कर सकते हैं, उनका नंबर जयपुर डिटेल के साथ आप अभी शेयर कर देंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं गाड़ी के टायर की तरफ, इसकी बात करें गाड़ी की गुड कंडीशन में कह सकते हैं और नॉन स्टेपिंग वाले टायर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। आ जाते हैं इस गाड़ी की लाइट्स की तरफ, लाइट्स मशीन से बिल्कुल साफ है, बंपर वाले मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। फ्रेंड से आप लोग चेक कर सकते हैं, स्मोकी का लोगो देखने को मिल रहा होगा और पैसेंजर साइड की लाइट की बात करें बिल्कुल साफ नहीं देखने को मिल रही है। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, ये मेन स्क्रीन जो होती है फ्रेंड स्क्रीन वो भी चेक कर सकते हैं, वैसे कोई भी क्रेक वगैरह नहीं है। आ जाते हैं इस गाड़ी का जो पैसेंजर साइड की तरफ से, यहाँ से डोर वगैरह चेक कर लीजिए, कोई स्क्रैचेस नहीं है इतने खास, कोई जंग रस्टेड नहीं है गाड़ी है। ये इस गाड़ी का स्लाइडिंग डोर है, मौजूद है। छत से भी आप लोग गाड़ी चेक कराए तो आप लोग नजर आ रही है छत से भी गाड़ी सही है, हल्की फुल्की मट्टी वगैरह पड़ी हुई इसमें और है वैसे सही कंडीशन में छत इस गाड़ी की, और है वैसे कंडीशन इस गाड़ी की टचअप की है। टायर्स वगैरह चेक करना चारों टायर सेम कंडीशन में देखने को मिलेंगे, यहाँ स्लाइडिंग डोर वगैरह भी वो भी चेक कर सकते हैं, सही है, इतने मेजर कोई काम नहीं है, मेजर स्क्रेचेज नहीं है और रिबिन हो जाएगा गाड़ी को अच्छी कंडीशन में हो जाएगी। नेक्स्ट साइड की लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी की बैक साइड की लाइट वो भी देख लें, बैक साइड की जो है डिग्गी भी अगर खुलती है तो मैं आप लोगों को ये भी साथ साथ चेक कराया था क्योंकि वैसे इसकी बंद पड़ी हुई है, अगर खोल देता हूँ तो सर डिग्गी तो खोल लें, इसकी डिग्गी खोल देंगे डिग्गी से अच्छी, तो डिग्गी से भी चेक कराया था एक और मुझे कमेंट्स आया था शानी भाई डिग्गी वगैरह भी गाड़ी की जो चेक कराया भी करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इनको सहमत देख मैं डिग्गी भी खुलवा दूँ इस गाड़ी की और वो भी चेक करा दूँ आप लोगों को कि डिग्गी सी गाड़ी की क्या कंडीशन है, डिग्गी खुली नहीं देखा छोड़ देंगे नहीं खुल लीजिए हाँ नहीं टूट टूट ना जाए लोग आपका। अच्छा तो इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं जी, इंटीरियर भी आप हमें खुशी कर देते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स इस गाड़ी की जो है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन में हमें देखने को मिल रही है, फर्श पे जो है कलरिंग वगैरह लगी हुई है इस गाड़ी में, दोनों सीट्स इस गाड़ी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो दरवाजे वगैरह चेक कराए तो आप लोगों को इस गाड़ी की जो स्लाइडिंग डोर के साथ आप लोग दरवाजे चेक कर सकते हैं इस गाड़ी के, आदमी की कंडीशन भी नहीं है साफ सुथरा, पक्के कोई इतनी है खास स्क्रेच नहीं है, गाड़ी को भी नज़र देख लें आप लोग जो है ये वाला डोर भी आप लोगों को चेक कराए तो उसकी सील्स वगैरह क्या है वो भी दिखाए थे, पीछे से चेक करने वाली थी गाड़ी में आदमी चीज़ों को लाजमी आप लोगों ने फोकस नहीं है आगे देख लें हल्का सा नीचे नीचे से फारा नज़र आ रहा है, आपकी इंटीरियर से भी सही है गाड़ी ठीक ये रख दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड रखी इस गाड़ी आपने? ये 9 लाख रुपए डिमांड रखी है गाड़ी। 9 लाख रुपए की डिमांड रखी है। मॉडल सर? ये 17 मॉडल है। 17 मॉडल है। पेपर में क्लियर है सर गाड़ी है? बिल्कुल, जो बंदा लेगा अपना नाम पे रजिस्टर भी करवाना लाजमी है जी। अच्छा ऑप्शन गाड़ी, ऑप्शन गाड़ी असल में कागज जब भी आएगा ना नए डॉक्यूमेंट्स में आएगा, नए डॉक्यूमेंट्स में आएगा ठीक है। नंबर प्लेट वैसे इस गाड़ी की मौजूद है? नंबर प्लेट, चेस्टर, इंजन नंबर, चेस्टर सब कुछ है, सील इंजन है इसका, सील्ड इंजन है इस गाड़ी का। एवरेज क्या रहता है इसका प्लेटों के हिसाब से? प्लेट को तो हमने नहीं मालूम, 10-12 तो देता होगा पर लीटर के हिसाब से अगर हाईवे पे हो या शहर में। बिल्कुल इतना ही होगा ठीक है सर जी। अपना नंबर बता दीजिए। 0310-00-27-799। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई इसकी डिमांड जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। ये 17 मॉडल है, 9 लाख रुपए इसका डिमांड रखा। कुछ कमी पेशी अगर कोई लेने वाला बंदा हो तो अगर कोई खुशकिस्मत वाला बंदा आएगा इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी हो सकती है। अच्छा मतलब जो लेने वाला बंदा होगा सीरियस बारिश के लिए कमी पेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी ठीक है सर जी थैंक यू। अगर कॉल वगैरह तो फिर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, काफी ओवर टाइम हो गए हैं तो ये गाड़ी भी लास्ट में कवर कर लेते हैं। 2008 की सुजुकी बोलान है भाई, व्हाइट कलर में गाड़ी मौजूद है। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप आए उनसे शेयर करते हैं, उसके बाद उनके पसंद मिलते प्राइस की गाड़ी की वो भी आप आए उनसे शेयर कर देंगे। तो इस गाड़ी के टायर्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेपिंग वाले टायर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, तकरीबन 80% अल्फा टायर्स गाड़ी की गुड कंडीशन में मौजूद है। ड्राइवर साइड वाला साथ साथ डोर भी चेक कर ले, साफ कंडीशन में देखने को मिल रहा है। और आ जाते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लाइट्स, फ्रंट लाइट्स भी हमें साफ मिल रही है देखने को, सुजुकी का लोगो भी आप लोग चेक कर सकते हैं साफ है। और सेकंड लाइट भी इस गाड़ी की साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन भी साफ है, कहीं से कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है। मॉडल 2008 का है, सुजुकी बोलान। आ जाते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड की तरफ,
यहाँ से डोर वगैरह चेक करते चले, माशा से बिल्कुल साफ है। सेकंड डोर की बात करें बिल्कुल साफ में देखने को मिल रहा है, नो डाउट गाड़ी की माशा से कंडीशन आउट क्लास है। बैक साइड की लाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, साफ कंडीशन में मौजूद है। सेकंड लाइट की बात करें ये भी हमें साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ये इस गाड़ी का बैक साइड का एरिया और मशीन से डोर वगैरह बिल्कुल साफ है। सेकंड डोर की बात करें भी बिल्कुल साफ है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चारों डोर अभी हमें जो है साफ कंडीशन में देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं जी गिरे की तरफ, गिरे की बात करें तो बिल्कुल साफ में देखने को मिल रहा है। और ये एसी वाली गाड़ी है भैया, 2008 जी एल वेरिएंट में ये एसी वाली गाड़ी है। अभी इस गाड़ी का एसी ऑन है या नहीं ये पुराने के साथ मिलकर आप इनका भी शेयर कर देंगे। आ जाते हैं फ्रंट डोर की तरफ, जो पैसेंजर साइड की डोर होता है ये भी बिल्कुल साफ हमें देखने को मिल रही है। बोर्ड वगैरह इस गाड़ी का चेक कर सकते हैं, जो एसी सिस्टम में गाड़ी में मौजूद है और अभी पालियाँ वगैरह लगी हुई गाड़ी में, सीट्स वगैरह गाड़ी को चेक कर सकते हैं बिल्कुल साफ है। बाकी बढ़ते हैं तो सर गिरे की तरफ, यहाँ से चेक कर सकते हैं सीट से गाड़ी की कंपनी की अपनी ओरिजिनल। यहाँ से यहाँ तक पकड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? इसकी 6.5 रखी है सर। 6.5 2008 का मॉडल है, 2008 का नवा महीना। पेपर क्लियर? पेपर क्लियर है। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज? कोई काम नहीं है। ये जीएल है, एसी वाली है ना? जीएल वाली, जीएल है। अच्छा इसका एसी वर्किंग है या सिर्फ नहीं, वर्किंग में नहीं? वर्किंग में नहीं, लगा हुआ है, वायरिंग भी चाहिए। वायरिंग वायरिंग सब वही है। ठीक है, कोई काम सस्पेंशन नहीं है इस गाड़ी में? कोई किसी किस्म का काम नहीं है। अच्छा, और इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है पायलट के हिसाब से? ये 14-15 का पक्का एवरेज, 15 की एवरेज रहती है। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0303 जी 289 जी 22 70। क्या नाम है आपके सर? अजीज अहमद। अजीज भाई लोकेशन? लोकेशन न्यू कराची सिंधी ऑर्डर, न्यू कराची सिंधी जी, यही आसपास की लोकेशन है मतलब। जी जी ठीक है अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से वेट कर लीजिएगा, कर दीजिए। एक बार डिमांड रिपीट कर दीजिए बस, डिमांड एक बार रिपीट कर। 6.5 कुछ कमी पेशी हो जाएगी। हाँ ठीक, थैंक यू। ओके, तो कैसी लगी आज की वीडियो? और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन के 6:46, तो वीडियो कंप्लीट कर दिए। इतना भी हो सकता था, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ऐड की अपनी वीडियो में और प्राइस कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं प्राइस ज़्यादा मिल रही है, कहीं प्राइस कम मिल रही है। बाकी हम लोगों ने जो है गाड़ियाँ कवर की हैं आप भाई के लिए जितना हो सकता था अच्छी, तो नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप भाई की जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है कवर करें, उनकी प्राइस जो आप भाई शेयर करें। अगर आप लोग भी किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियो में वो गाड़ी भी जरूर अपने चैनल पर ऐड करेंगे। और एक छोटी सी गुजारिश होती है भाई से, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी निशान को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा एक फेसबुक पेज है, जाके आप लोग फॉलो करें शानी ब्लॉग के नाम से। अगर ये वीडियो आप लोग हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग जाके हमारे शानी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो हमारी मेन चैनल है यूट्यूब पे। तो अभी दिखा सकते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये संडे कार मार्केट की सूरत हाल है भाई, आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी में रश आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन 8:30 के आसपास से इतना रश मौजूद होता है यहाँ पे। तो जी इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, चला मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट संडे एक नई वीडियो के साथ। तो हमें अच्छा लगेगा।